आज मैं आप लोगों को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट थ्री के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि स्टूडेंट LNMU के 2015-18 सेशन के स्टूडेंट हैं, जो कि पार्ट थ्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, और जो पार्ट वन और पार्ट टू में पास हो या प्रोमोटेड है, वही ये पार्ट थ्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट LNMU University.in पे लॉगिन करना होगा। ये खुलेगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है तीन लिंक, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर पार्ट थ्री, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर पार्ट थ्री। यहाँ पे खुलने के बाद आप लोगों को इंस्ट्रक्शन आएगा, जो कि आप लोगों को ये केयरफुली पढ़ना होगा। कैंडिडेट्स हु आर रेगुलर शुड इंटर देयर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यहाँ पे दो लिंक है, आई एम ए रेगुलर कैंडिडेट, आई एम एक्स रेगुलर कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं, यानी कि आप 2015-18 सेशन के स्टूडेंट हैं, तो उस पर क्लिक कीजिएगा आई एम ए रेगुलर कैंडिडेट। अगर इस सेशन के नहीं हैं तो आप लोग आई एम एक्स रेगुलर कैंडिडेट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आई एम ए रेगुलर कैंडिडेट लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी का रोल नंबर देना होगा। यहाँ पे मैं एक रैंडम रोल नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा सर्च पे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स खुलेगा, इसमें पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और डिसिप्लिन फैकल्टी सेक्शन आप लोगों को इसमें भरना होगा। इसमें दिया हुआ है, पहले से भरा हुआ है, रोहित कुमार, श्रवण कुमार राम, मदर्स नेम इसमें मांगा जा रहा है, तो मैं इसमें एक्स वाई जेड लिख दे रहा हूँ। एड्रेस में मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। फिर आप लोग को यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जेंडर में मेल सेलेक्ट, कैटेगरी जनरल, क्लास रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक पॉपअप खुलेगा, जिसपे आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा अब जिस जो आपका बर्थडे हो। तो मैं यहाँ कोई रैंडम बर्थडे ले लेता हूँ और मोबाइल नंबर भी कोई रैंडम डाल दे रहा हूँ। फिर ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर रैंडम डाल दे रहा हूँ। फिर ये यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स में ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन 2015 डालना होगा, फिर आपका सेशन इसमें सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप को 15-17 सेशन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम फोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसका इसमें बता रहा है एरर, प्लीज सेलेक्ट वैलिड इमेज, यानी कि 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल इमेज अपलोड करना होगा, जो कि मैं एक रैंडम प्रोफाइल पिक अपलोड करने जा रहा हूँ। तो और इसमें सिग्नेचर भी मैं यही अपलोड कर दे रहा हूँ। फिर आप लोगों को नीचे जाके देखना होगा, यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी है और जनरल स्टडी है। यहाँ पे आप लोगों को साइकोलॉजी जो है
एक पेपर होगा और जनरल स्टडी का एक पेपर होगा। फिर आप लोगों को यहाँ टोटल फी 1150 है और यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, यहाँ पे